नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं, और अब जो है पिछले 8-10 सालों में देखा जाए तो IAS IPS बहुत ज़्यादा चुनाव की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कितने जो हैं वो VRS लेकर चुनाव के मैदान में आना चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में इस बार देखा जाए तो किसी भी ब्यूरोक्रेट का दाल नहीं गल पाया। बहुत सारे लोग जो हैं इस फिराक में थे, कुछ लोग दूसरे राज्यों में सर्विस में थे, VRS ले लिए और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़े हैं, लेकिन उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया। RK सिंह आरा से उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और बता दें आपको कि उनका सफल रहा राजनीति में आना। वो MP भी बने और साथ साथ जो हैं वो मंत्री भी बने हैं, लेकिन इसी राह में बहुत सारे कड़क IPS IAS अफसर जो अपने ज़माने में काफ़ी उनका नाम होता था, लेकिन चुनावी पिच पर वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कौन कौन से लोग जो थे वो 2024 लोकसभा चुनाव में अपने भाग्य को आजमाना चाहते थे, लेकिन किसी भी पार्टी ने उनका कोई सुध नहीं लिया, किसी ने चारा नहीं डाला। सबसे पहले आपको बता दें कि एक नाम है तमिलनाडु कैडर के रिटायर्ड DGP करुणा सागर, जहानाबाद संसदीय सीट से राजद कोटे से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राजद ने वहां पर अपने पुराने धुरंधर सुरेंद्र प्रसाद यादव को मैदान में उतारा, जिनका मुकाबला जो है JDU के सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी से होना है। वही बता दें कि असम कैडर के तेज तरार IPS अफसर, 2011 बैच के नवयुवक IPS अफसर, आपको बताएं आनंद मिश्रा, उन्हें भी संभावना था कि बक्सर लोकसभा सीट से BJP टिकट देगी और उन्होंने VRS ले लिया। बड़ा ही उनका ब्राइट करियर था, असम के 3-4 जिलों के SP थे, और अभी जब VRS लेते समय भी एक जिले के लखीमपुर के वो SP थे। नौकरी को छोड़ के वो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और बक्सर से उन्हें संभावना था लेकिन मिला नहीं। मिथिलेश तिवारी को पार्टी ने टिकट दिया। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि और जो नाम है इसमें है तमिलनाडु के एक और पूर्व DGP रहे BK रवि, जिनके पिताजी भी बिहार में राजनीति में थे और सांसद भी बने थे, वो भी VRS लिए और समस्तीपुर पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बता दें आपको वहां से कांग्रेस ने महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को उम्मीदवार बनाया, तो वही लोजपा रामविलास ने अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया, उनका भी पत्ता साफ हो गया। तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि देश के पूर्व पेट्रोलियम सचिव RS पांडे, आपको बता दें नागालैंड कैडर के IAS थे, वो राजनीति में उतरे, बगहा से विधायक भी बने थे, लेकिन इस बार वाल्मीकि नगर सीट से उम्मीदवार बनना चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, उनका भी टिकट जो है वो कट गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि पूर्व बिहार के पूर्व DGP आशीष रंजन सिन्हा राजद के टिकट पर नालंदा संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट जो है CPIML के खाते में चला गया और संदीप सौरभ को महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया। चुनाव जो है वो 1 जून को है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि KP रमैया पटना के पूर्व कमिश्नर भी रहे हैं, पूर्व IAS अफसर रहे हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी चहेते अफसर रहे हैं, और ये जो हैं सासाराम सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ से भाजपा ने शिवेश राम को मैदान में उतारा है। वही पूर्व IAS पंचम लाल भी इसी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दोनों पूर्व IAS अफसरों को मायूसी हाथ लगी, इन्हें टिकट नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि 2020 के चुनाव में आपको याद होगा कि बिहार के तत्कालिक DGP गुप्तेश्वर पांडे ने VRS ले लिया, उन्हें पूरा संभावना था कि उन्हें BJP टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसी के साथ साथ पिछले 2020 के विधानसभा में पूर्व DGP अशोक गुप्ता भी राजद के टिकट पर दानापुर सीट, उस बता दें पूर्व SP श्रीधर मंडल JDU की टिकट पर बांका विधानसभा सीट लड़ना चाहते थे, लेकिन इन सभी को निराशा हाथ लगा। तो बताएं आपको कि राजनीति जो नौकरशाह है उनको काफ़ी आकर्षित कर रहा है, और बिहार में खासकर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नौकरशाह हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, विधायक MP बनना चाहते हैं, लेकिन उनके सपने कामयाब नहीं हो रहे हैं।
अब आप देखिए दो दो डीजीपी तमिलनाडु के पूर्व में रहे करुणा सागर और बीके रवि, दोनों ने बिहार में आकर अपना डेरा जमाया लेकिन दोनों को टिकट नहीं मिला। आनंद मिश्रा युवा अफसर, करियर अभी इनका 12-13 साल का ही था, 25-26 साल इनकी नौकरी बची हुई थी, लेकिन ये असम कैडर में आईपीएस अफसर थे और नौकरी छोड़कर अभी बक्सर में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन किसी पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। तो बता दें आपको हम कि नौकरशाही का जो पिच होता है वो अलग होता है, उसका क्रेज अलग होता है, उसमें जन समर्थन अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि उसमें आपको जन समर्थन मिले तो राजनीति के फील्ड में भी आपको वही समर्थन मिले, और इसे राजनीतिक पार्टियां बखूबी जानती हैं, और यही वजह है कि बिहार में लगभग दर्जनों आईएएस आईपीएस अफसर इस चाह में लगे रहें कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन किसी का भी सपना पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।